وإليه أنيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة، سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم ويوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلوات اللهم صل على عزیز و محترم عزیزان گرامی، 1443 ہجری قمری کے ہلال محرم پر شروع ہونے والا یہ سلسلہ مجالس امام المتقین کی صفات کے عنوان سے متعلق ہے. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے اور اس سورہ کی 74ویں آیت ہے. ارشاد پروردگار متعال ہے، والذین یقولون، اللہ کے بندے، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا، پروردگار ہمیں ہماری ازواج سے عطا کر، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد سے عطا کر،
क्या अता कर, कुव्वता आयुनिन, हमारे आँखों की ठंडक, वजअलना, और हमें करार दे, लिल मुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए इमामा, हमें मुत्तकीन के लिए इमाम करार दे, इमामुल मुत्तकीन करार दे। मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि बाज़ सिफ़ात और बाज़ फ़ज़ाइल और मनाक़िब हम सुनते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इन सिलसिला मजालिस में हम कोशिश करेंगे कि मौला की फ़र्दी सिफ़ात, खानवादे की सिफ़ात, फैमिली की सिफ़ात, इज्तिमाई सिफ़ात, अखलाकी सिफ़ात, वो सिफ़ात जो मौला की जंगों के अंदर थी, निज़ामी सिफ़ात, इक्तिसादी सिफ़ात, और मौला की वो सिफ़ात कि जो परवरदिगार आलम ने अपनी जानिब से उन्हें अता करते वक्त बयान फरमाई हैं, वो सिफ़ात कि जो रसूल अकरम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उन्हें अता हुई हैं, इन तमाम सिफ़ात का तज़किरा करें। लेकिन जैसा कि उलमा और फुकहा का तरीक़ा और रविश यही है कि हिलाल मुहर्रम पर पहली मजलिस रसूल के चहीते नवासे हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी की फजीलत, आज़ादारी की अहमियत, आशूरा की अहमियत, करबला की अहमियत और फजीलत के अतबार से गुफ्तगू करते हैं, तो इसी मुनासिबत से मुनासिब यह है कि पहली मुहर्रम की मजलिस आज़ादारी की अहमियत को उजागर करने के लिए, चूँकि बच्चों के जहन में, जवानों के जहन में जो शुबहात और जो एतराज़ात आज़ादारी के एतबार से गाहे बगाहे डाले जाते हैं, वो पहली मुहर्रम को ही आज़ादारी के शुरू होते ही जहन से दूर हो जाए। मसलन बाज़ ये शुबहात के आज़ादारी साल के आगाज़ पर, इस्लामी साल के आगाज़ पर, नए साल के आगाज़ पर तो खुशी मनानी चाहिए, नए साल के आगाज़ पर गिविया क्यों करते हैं, ये सवाल है। हम ये देखते हैं कि नौजवान और बच्चे न्यू ईयर के ऊपर, चाहे वो ईसवी हो, चाहे वो शमसी हो, चाहे वो दुनिया के दूसरे ममालिक में हो या ईरान या अफ़ग़ानिस्तान में हो, शमसी तारीख हो या ईसवी तारीख हो, नए साल के आगाज़ पर हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, जश्न नौरोज़ मनाते हैं। तो ये क्या है कि कमरी साल के आगाज़ पर गिविया शुरू कर देते हैं। तो इज़्ज़ाने गिरामी, तारीख़ इस्लाम के अंदर आपको हैप्पी न्यू ईयर हिजवी साल के आगाज़ में जो रसूल अकरम ने हिजरत की है उस वक्त भी खुशी नज़र नहीं आई। ये तो इस्तेमार के तरीक़े हैं जो धीरे धीरे मुसलमानों में राइज हो गए हैं कि हर साल के आगाज़ के ऊपर, नए साल के आगाज़ के ऊपर खुशियां मनाई जाएं, वरना इस्लाम की तारीख़ में, रसूल की तारीख़ में अगर आपको किसी चीज़ का तज़किरा मिलता है तो वो हंसने का तज़किरा नहीं मिलता है, रोने का तज़किरा मिलता है। मौला हुसैन की विलादत हो रही है, हिजवी साल का आगाज़ है, विलादत से कबल अभी जनाब सैयदा मौला हुसैन के हामिला हैं, इस एतबार से भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आते हैं और ख़बर देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अनकरीब आपके यहाँ आपकी बेटी फ़ातिमा के यहाँ एक ऐसे फर्जंद की विलादत होगी जिसका नाम खुदा ने हुक्म दिया है कि हुसैन रखा जाए। अल्लाह के रसूल को ये खबर दी जाती है, अल्लाह के रसूल एक लम्हे के लिए मुस्कुराते हैं, विलादत की खबर है, मुस्कुराते हैं,
लेकिन विलादत का दिन है, फिर भी जिब्राईल एक और ख़बर देते हैं कि या रसूल अल्लाह सतुक्तलो हाज़ल वलद, ये फर्जंद अनकरीब कत्ल कर दिया जाएगा भूखा प्यासा और ज़िबा किया हुआ। किसके ज़रिए से? आपकी अपनी उम्मत के ज़रिए से। बस अल्लाह के रसूल ये सुनते हैं, हिजरी साल का आगाज़ है, गिरिया और ज़ारी शुरू करते हैं। बस जो शख्स भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने का दावेदार है कि हम तो सुन्नत रसूल की पैरवी करते हैं, तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत यही है कि विलादत का दिन है, उस दिन भी अल्लाह के रसूल गिरिया करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह के रसूल एक मरतबा देखते हैं उनके सामने हुसैन इब्ने अली खेल रहे हैं, यल अबो बैन यदही, कामिलु ज़ियारात की रिवायत है। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं कि मौला हुसैन उनके सामने खेल रहे हैं, जिब्राईल नाजिल होते हैं और ये जुमला कहते हैं। देखें कामिलु ज़ियारात ये कौन सी किताब है? कामिलु ज़ियारात ये वो किताब है कि जिसके अंदर मौजूद रावी, अगर कोई रावी कामिलु ज़ियारात में मौजूद है तो फुकहा उसके बारे में रिसर्च करने की जहमत करना उनके लिए मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि इनके बारे में पहले से रिसर्च हो चुकी है। कामिलु ज़ियारात के रावी वो हैं कि उलमा कहते हैं, बड़े बड़े फुकहा ये कहते हैं कि अगर आपको ये चेक करना हो कि फ़लाँ रावी सच्चा है या झूठा, तो आप चेक कर लें कामिलु ज़ियारात में वो है कि नहीं। अगर वो कामिलु ज़ियारात में है तो इसका मतलब वो सच्चा है, उसकी रिवायत भी सच्ची है। तो कामिलु ज़ियारात की रिवायत है कि रसूल के पास इस हालत में कि वो देख रहे हैं कि मौला हुसैन खेल रहे हैं, जिब्राईल नाजिल होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं आपको ये ख़बर पहुँचाऊँ कि ये हुसैन इब्ने अली वही हस्ती हैं कि जिन पर आदम से लेकर ख़ातम तक हर नबी ने गिविया किया, क्योंकि इस हस्ती को आपकी उम्मत अतशानन मलहूफन मजबूहन प्यासी हालत में, गिरफ्तार हालत के अंदर और ज़िबा हालत के अंदर शहीद कर देंगे आपकी उम्मत करबला के मैदान में। बस ये अल्लाह के रसूल सुनते हैं और ज़ारो कतार गिविया शुरू कर देते हैं। तो मालूम हुआ कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल भी हुसैन इब्ने अली के बारे में ख़बर सुनकर गिविया वज़ारी करते हैं। मौला की क्या हालत है? मौला की भी ये हालत है कि मौला कूफा के मिंबर पर खड़े होकर ये जुमला कहते हैं, ये भी कामिलु ज़ियारात की रिवायत है, हारिस बिन आवा इसका रावी है, कहता है कि मौला कहते हैं कूफा के मिंबर के ऊपर कि ऐ लोगों, ये हुसैन इब्ने अली वो हस्ती है कि इसे उम्मत रसूल करबला के मैदान में कूफा की पुश्त पर, अला दहविल कूफा, कूफा की पुश्त के ऊपर करबला के मैदान में शहीद कर देगी और उसके बाद उनकी कब्र बनाई जाएगी, और गोया कि मैं ये देख रहा हूँ कि हैवानात जाकर अपनी गर्दनों को इस हुसैन इब्ने अली की कब्र से मल रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि कायनात के तमाम हैवानात हुसैन इब्ने अली पर आशूर के दिन गिविया करते हैं। इय्याका, तुम्हें इस चीज़ का खौफ होना चाहिए, इस चीज़ का डर होना चाहिए कि इस हुसैन इब्ने अली पर जफा कर। तो मौला भी फरमाते हैं हुसैन इब्ने अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिन पर गिविया हैवानात कर रहे हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं मौला, इज़ा कान ज़ालिक, ये हैवानात जब इस तरीके से हैं तो तुम इंसानों का क्या फरीज़ा होना चाहिए। इसके बाद मौला हसन मुश्तबा वो आपको मौला हुसैन के ऊपर गिविया करते हुए नज़र आते हैं और ये कहते हैं, ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्ला, कोई दिन ऐसा हो ही नहीं सकता जो दिन आप पर गिरा, जो दिन आप पर वाक़ हुआ, कितना सख्त दिन आपके ऊपर वाक़ हुआ। जाने गिवामी पंजतन मौला हुसैन पर गिविया करते हुए नज़र आते हैं। पाँचवें इमाम की यह हालत थी कि वो मदीने पहुंचने के बाद ज़ारो कतार हुसैन इब्ने अली पर गिविया करते हुए नज़र आते। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहवावी है मिस्मा बिन अब्दुल मलिक, वो ये कहता है कि मैं एक मरतबा छठे इमाम के पास जाता हूँ और छठे इमाम से
मुलाकात करता हूँ। छठे इमाम कहते हैं कि ए मिस्मा, क्या तू भी हुसैन इब्ने अली पर गिविया करता है, हुसैन इब्ने अली के लिए गमगीन होता है? मिस्मा कहता है हाँ मौला, मैं इतना गिविया करता हूँ, इतना रोता हूँ और इतना गमगीन हो जाता हूँ कि मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि मिस्मा खाना भी नहीं खा रहा, हुसैन इब्ने अली पर ज़ावो कतार गिविया कर रहा है। तो बस छठे इमाम ये जुमला कहते हैं रहम अल्लाहु दमअतक, परवरदिगार आलम अल्लाह तेरे आंसुओं पर रहम करे, और तू उस दर्जे में है कि जिस दर्जे में हुसैन इब्ने अली पर गिविया करने वाले अहले जज़ा व फ़ज़ा होंगे। मालूम हुआ कि छठे इमाम बताना चाह रहे हैं कि जो शख्स हुसैन इब्ने अली पर गिविया करता है उसका दर्जा, उसका मकाम कितना बुलंद है। कि मिस्मा से ये कह रहे हैं कि ए मिस्मा, चूँकि तू गिविया करता है इसलिए तुम उन अहल के अंदर, उन अफराद के अंदर है कि जो हुसैन इब्ने अली पर गिविया करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मौला हुसैन के ऊपर इतना गिविया करने का सवाब क्यों है। खूब ये सवाल जैसे हमारे जहन में सवाल पैदा होता है वैसे दूसरों के जहन में भी पैदा होता है। खूब आजकल हमारे जहन के अंदर इतने हमने ये औकात मसरूफ़ कर दिए हैं अपनी टेंशनों के अंदर, अपने मसाइल के अंदर, कि हमें दीनी मसाइल पर सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हम इस चीज़ से बाहर निकलें कि सुकाम मने एम के दू, मने आम के दू, इन मसाइल से हम निकलें तो हम ये सोचें कि हुसैन इब्ने अली पर सवाब का इतना गिविया का सवाब क्यों है, इतनी फजीलत क्यों है। वो एक शख्स था, वो ये कह रहा था कि मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, PhD है वो, ये कह रहा था मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि पानी की इतनी छोटी सी बोतल में से बर्फ़ कैसे अंदर चला जाता है। या किस चीज़ पे सब रिसर्च कर रहा है वो, दूसरी चीज़ के ऊपर भी रिसर्च कर रहा है वो ये कि जलेबी बनाते वक्त जो शीवा होता है वो इतनी पतली सी पाइप से जलेबी का शीवा कैसे बन जाता है। जाने के मामी आप PhD हैं और आपकी रिसर्च इन मौजूदात पर, जनाब आली जब आप इन मसाइल से निकलेंगे तो आप सोचेंगे कि दीनी मसाइल पर रिसर्च क्या हुआ करती, दीनी मसाइल पर रिसर्च सैयद मेहदी बहरुल उलूम कह रहे हैं। वो रिवायत पढ़ते हैं कामिलु ज़ियारात की, मन बका अलल हुसैन गफर अल्लाहु ज़ुनूबहु अलबत्तता, जो हुसैन इब्ने अली पर गिविया करे अल्लाह ताला उसके तमाम के तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दिया करता है, परेशान हो जाता है। दूसरी रिवायत पढ़ते हैं कुल्लु ऐनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा, हर आँख क़यामत के दिन रोने वाली होगी, इल्ला ऐनुन बकत अला मुसाबिल हुसैन, सिवाय उस आँख के जो मौला हुसैन के मसाइब पर गिविया करे, फ़इन्नहा ज़ाहिक़तुन मुस्तबशिरा यौमल क़ियामा, कि बेशक वो आँख जो हुसैन इब्ने अली पर गिविया करेगी वो क़यामत के दिन हंसती और मुस्कुराती हुई होगी, जिसे जन्नत की खुशखबरी दी गई होगी। एक और रिवायत के अंदर वो पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मन बका अलल हुसैन, जो शख्स भी मौला हुसैन की मुसीबतों पर गिविया करता है, काना अजरुहु अल्लाह, उसका अजर अल्लाह के ऊपर है, यानी अल्लाह जो अजर देगा, जब अल्लाह लामहदूद है तो उसका अजर भी लामहदूद हो सकता है। तो वो परेशान होते हैं और ये सवाल उनके जहन में आता है कि हुसैन इब्ने अली पर एक आंसू बहाने का इतना अजर व सवाब कि पूरी बहिश्त उसकी, हत्ता रिवायात के अंदर है कि हज मकबूल का सवाब उसका, उम्रा मकबूल का सवाब उसका, दुनिया और आखरत की नेमतें उसकी, उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश, और आखिर में कान अजरहू अलल्लाह, उसका अजर भी अल्लाह के ऊपर। खूब अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो शख्स भी नेकी के एक बराबर ज़र्रे को अंजाम देता है परवरदिगार आलम के नज़दीक वो देख लेगा, जो बुराई के एक ज़र्रे को अंजाम देता है वो क़यामत के दिन देख लेगा। तो फिर ये कैसे कि एक आंसू बहाने से जन्नत वाजिब हो जाती है, उम्रे का सवाब मिल जाता है, हज का सवाब मिल जाता है, वो परेशान होते हैं और सामरा में इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं। और अल्लाह
अल्लाह हम सबको आप सबको इंशाअल्लाह ज़ियारत मासूमीन से मुशर्रफ फरमाए। वहाँ से जब निकलते हैं तो इसी सवाल के बारे में सोच रहे होते हैं। सैयद मेहदी बहरुल उलूम वो हैं कि जिनके बारे में उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि इन्होंने बिल मुशाफहा इमाम ज़माना अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ से मुलाकात की। खूब वो निकलते हैं। अल्लामा नहावंदी ने ये वाक़या अब कवियुल हसन के अंदर ज़िक्र किया है कि वो जब निकलते हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े से ज़ियारत करते हुए तो इस सवाल के बारे में सोच में कि मौला हुसैन पर गिविया का इतना सवाब क्यों है, इतना अजब क्यों है। देखें इस वाक़े को और इस जवाब को सुनने से पहले मैं आपसे एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। अगर कोई शख्स इतना प्यासा हो कि उसको एक घूंट पानी की ज़रूरत हो, एक कतरे पानी की, एक घूंट पानी की ज़रूरत हो, वो पूरी तगोदो लगा दे लेकिन उसे एक कतरा पानी ना मिले। अब अगर कोई शख्स आए और उसे एक कतरा पानी दे जिससे उसकी जान बच जाए, एक घूंट पानी दे जिससे उसकी जान बच जाए, तो अब इसके बदले में उसे क्या देना चाहिए। जिस शख्स को ये पानी पिलाया गया है, एक कतरा पानी पिलाया गया है, एक घूंट पानी पिलाया गया है जिससे उसकी जान बच गई है, तो वो अपनी जान बचने के बदले में पानी पिलाने वाले को क्या दे। खूब ये एक सवाल है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े से निकलकर जब सैयद मेहदी बहरुल उलूम इस सवाल के बारे में सोचते हैं कि मौला हुसैन की फजीलत इतनी ज़्यादा कि इनके बारे में एक कतरा आंसू बहाने पर इतना अजर व सवाब, जबकि परवरदिगार फरमा रहा है कि एक ज़र्रा भी अगर किसी ने नेकी की तो वो देख लेगा और एक ज़र्रा बुराई की तो वो देख लेगा, लेकिन मौला हुसैन पर गिविया करने का इतना सवाब कि उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अज्जे मकबूल का सवाब मिलता है, सब कुछ, तो इसकी क्या वजह है। तो इतने में उन्हें एक सियाह हमामे वाला सैयद अरबी लिबास के अंदर रास्ते में मिलता है और कहता है कि ए सैयद मेहदी बहरुल उलूम तुम क्यों परेशान हो। तो सैयद मेहदी बहरुल उलूम कामिलु ज़ियारात की ये चार रिवायत जो मैंने आपके सामने पेश की वो ज़िक्र करते हैं और कहते हैं कि मैं इस एतबार से परेशान हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि आंसू बहाने पर हुसैन इब्ने अली पर गिरिया करने पर इतना अजर व सवाब हो जाए। तो ये सैयद जवाब देते हैं, अज़ान गिरामी हुज्जत खुदा वो हुआ करती है कि जब कोई फ़कीह कोई आलिम अपनी तमाम जस्तजू करने के बाद किसी मसले के हल तक नहीं पहुँचता है और उनसे मुतवस्सिल होता है, उनसे तवस्सुल करता है, तो चाहे हुजूरन चाहे गायबाना हुज्जत खुदा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी हिदायत का काम अंजाम दे। जिस तरीके से बादलों की ओट में जब सूरज हुआ करता है तब भी अपनी रोशनी को पहुंचाता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हुज्जत खुदा गायब भी हो तो अपनी हिदायत को पहुँचाया करता। दूसरे लफ्ज़ों में बाज़ लोग ये कहते हैं कि हुज्जत खुदा गायब रहकर कैसे हिदायत दे सकते हैं, तो उनको जवाब ये है कि जब इबलीस गायब होकर बहका सकता है तो अल्लाह की हुज्जत गायब रहकर हिदायत नहीं कर सकती, तो खुदा की हुज्जत गैबत में रहकर हिदायत करती है। तवज्जो है आपकी, मौला हिदायत करते हैं ऐसे शख्स की जो अपनी तमाम जस्तजू के बाद अपनी तमाम मेहनत के बाद किसी सवाल के हल तक ना पहुँच सके। तो जवाब देते हैं, ऐ सैयद मेहदी बहरुल उलूम मैं तुम्हें एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। वो मिसाल ये है कि एक बादशाह था, वो शिकार के लिए अपने दरबारियों के साथ जा रहा था, रास्ते में उसके दरबारी उससे दूर हो जाते हैं, वो भटक जाता है और भटक कर परेशान होता है कहाँ जाए। उतने में उसे खैमा नज़र आता है और वो उस खैमे में जाता है और खैमे में जाने के बाद देखता है कि वहाँ
एक बूढ़ी खातून है और उसका जवान बेटा है। आपकी तवज्जो है, इंशाल्लाह तवज्जो मबजूल रखें। एक बेहतरीन मैसेज सैयद महदी बहुल उलूम के ज़रिए से हमें मिल रहा है, वो ये कि वो बादशाह इस खैमे में जाने के बाद इस बूढ़ी खातून से ये कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान होना चाहता हूँ। वो ये देखती है, वो देखता है कि इस बूढ़ी खातून के पास एक जवान बैठा है और एक दूध देने वाली बकरी है। दूध देने वाली बकरी अरबों के यहाँ बहुत महंगी हुआ करती है और बहुत कीमती हुआ करती है, उसे कुर्बान नहीं किया जाता चूँकि उसी से दरामद हुआ करती है। तो बादशाह कहता है कि मैं आपके यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ। ये जवान अपनी माँ से कहता है कि ऐ माँ, हमारे पास तो इस बकरी के सिवा कुछ भी नहीं। तो माँ कहती है चुप हो जाओ, इसी को कुर्बान करो और इसे ज़िबा करने के बाद इसके कबाब बना लो। वो इसके कबाब बनाता है और कबाब बनाकर बादशाह को पेश कर देता है। बादशाह की भूख मिट जाती है और वो सो जाता है। अगला दिन आता है, सारे दरबारी ढूंढते ढूंढते बादशाह तक इस खैमे तक पहुँच जाते हैं। अब बादशाह इनसे सवाल करता है, कह दरबारियों ज़रा मुझे ये बताओ कि इस खातून ने अपनी बकरी को कुर्बान करके इसके कबाब बना कर मुझे खिलाए, इसके बदले में मुझे इसे क्या देना चाहिए। देखें मौला हिदायत कर रहे हैं, इसके बदले में मुझे क्या देना चाहिए। कोई ये कहता है इसे 100 अशरफियाँ दे दो, कोई ये कहता है इसे 1000 अशरफियाँ दे दो, कोई ये कहता है इसे 10000 अशरफियाँ दे दो, कोई इसे कहता है एक पूरा खेत दे दो, कोई इसे कहता है 1000 बकरियाँ दे दो। बादशाह जवाब में एक जुमला कहता है, ए मेरे दरबारियों, जब मैं भूखा था और भूख से मर रहा था तो इस बूढ़ी औरत ने अपना कुल सरमाया, जो एक बकरी थी, अपना कुल सरमाया मुझे मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया, मुझ पर फिदा कर दिया और मेरी जान बचाई। तो अब ये मेरा फरीज़ा है कि अगर ये खातून इसे मैं कोई बदला देना चाहता हूँ तो मेरे पास भी जो कुछ है वो मैं इसे दे दूँ। मौला फरमाते हैं कि हुसैन इब्न अली हस्ती वो हस्ती हैं कि जिन्होंने खुदा की तौहीद को बचाने के लिए, खुदा की वहदानियत को बचाने के लिए, अल्लाह के रसूल की नबूवत को बचाने के लिए, खुदा के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। पूछा माल, कहा माल कुर्बान, कहा जान, जान कुर्बान, कहा औलाद, औलाद कुर्बान, कहा अजवाज, कहा अजवाज की असीवी कुर्बान, कहा बेटियां, कहा बेटियों की असीवी कुर्बान, कहा कि मेरा मदाल, कहा मेरा जा तुम्हारा जाओ मलाल भी तेरे लिए, ए खुदा तेरे लिए मेरा जाओ जलाल भी, चाहो मनाल भी, मालो मनाल भी, सब कुछ कुर्बान, मेरी ज़मीनें कुर्बान, मेरे असहाब कुर्बान, मेरा भाई कुर्बान, मेरे बेटे कुर्बान, मेरी बेटियां असीर होती हो तो असीर, सिर्फ तेरी तौहीद बच जाए। जब खुदा की तौहीद को हुसैन इब्न अली ने बचाया तो खुदा ने भी ये कहा कि जब हुसैन इब्न अली ने मेरी तौहीद को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तो अब ये मुझ हुसैन के लिए, मुझ खुदा के लिए, इस हुसैन को देने के लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर हुसैन इब्न अली पर कोई गिरिया करता है तो उसके गिरिये के बदले में पूरा हज मकबूल हाँ दे दो, पूरा उम्र मकबूल हाँ दे दो, जन्नत चाहिए हाँ दे दो, जहन्नुम से निजात चाहिए हाँ दे दो, जो कुछ मेरे पास है मैं अपनी खुदाई तो नहीं दे सकता लेकिन जो अजर दे सकता हूं वो हुसैन इब्न अली के लिए है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन इब्न अली तौहीद को बचाने गए थे। अज़ाने गिरामी, एक और सवाल ये जहन में पेश आता है, क्या आज़ादारी सिर्फ शियों के लिए? नहीं, हुसैन इब्न अली तौहीद को बचाने गए थे, रिसालत को बचाने के लिए गए थे। शाम के दरबार में जब हुसैन इब्न अली के सर को देखा तो यजीद ने क्या जुमला कहा, लैब अल हाशिमु बिल मुल्क वला नबीयुन जाअ वला वहयुन नुज़िल। बनू हाशिम ने तो मुल्क और बादशाहत के साथ खेला है, ना ही कोई वही आई थी और ना ही कोई नबी नाज़िल हुआ था।
बाज़ लोग ये कहते हैं हुसैन इब्ने अली नमाज पर कुर्बान हुए, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ने वाले अफराद मौजूद थे, हुसैन इब्ने अली नमाज पर कुर्बान नहीं हुए, हुसैन इब्ने अली तौहीद पर कुर्बान हुए। तौहीद बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली गए, नबूवत बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली गए। तौहीद और नबूवत अफजल है, हुसैन इब्ने अली मफजूल हैं। हुसैन इब्ने अली बचाने गए हैं तौहीद और नबूवत को, अगर नबूवत को बचाने नहीं गए होते तो वाकई हैवा क्यों पेश आया, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े और ऊँट क्यों बांधे गए। अगर तौहीद और रिसालत को बचाने नहीं गए होते तो हुसैन इब्ने अली कर्बला के मैदान में ये कहते, अना इब्नो अली, मैं अली का बेटा हुसैन। लेकिन मौला ने ये नहीं कहा, हुसैन इब्ने अली ने ये नहीं कहा अना इब्नो अली, ताकि ये कर्बला की तहरीक सिर्फ शियों तक महदूद ना हो जाए, कर्बला की तहरीक सिर्फ तशय्यों तक महदूद ना हो जाए। मौला ने फरमाया अना इब्नो रसूलल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का फर्जंद हूँ, उस रसूल का फर्जंद हो जिसके तुम उम्मती हो, उस नबी का फर्जंद हो जिसके तुम उम्मती हो। हुसैन इब्ने अली की तहरीक सिर्फ शियों के लिए नहीं है, कर्बला के मैदान में सिर्फ शिया नहीं थे, ज़ुहैब इब्ने कैन बज़ाहिर उनके अकीदे शियों वाले अकीदे नहीं थे, हबीब इब्ने मज़ाहिर बज़ाहिर उनके अकीदे वो अकीदे नहीं थे कि जो शियों के आज अकीदे हैं या तशय्यों के आज अकीदे हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर मौला हुसैन से पहले किसी दूसरी जंग के अंदर नज़र नहीं आते, नज़र आते हैं तो हुसैन इब्ने अली की तहरीक में शिरकत करते हुए, क्यों, ये देखते हुए कि हुसैन इब्ने अली की राह तौहीद को बचाने के लिए। यजीद चाहता था कि जिस तरीके से जाहिलियत के ज़माने के अंदर शिर्क राइज था, तौहीद नहीं थी, वैसे ही आज भी ऐसा ही हो। हुसैन इब्ने अली ने इसको ख़त्म कर दिया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन, ला इलाह इल्लल्लाह की बिना और बुनियाद हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली तौहीद बचाने गए, नबूवत को बचाने गए। खूब जब हुसैन इब्ने अली तौहीद को बचाने गए तो हुसैन इब्ने अली का मानने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि वो तौहीद पर कामिल तरीके से मुवाहिद होकर अमल पैरा हो, नबूवत पर कामिल तरीके से अमल पैरा हो, नबूवत पर उसका ईमान मजबूत हो, तौहीद पर उसका ईमान मजबूत हो। कोई आकर ये कहे कि फ़लाँ रब है फ़लाँ खुदा है तो उसकी बातों में ना आए, और हुसैन इब्ने अली जिस खुदा को सजदा कह रहे हैं उसे सजदा कह रहे हैं। हुसैन इब्ने अली तौहीद के लिए गए। ये हुसैन इब्ने अली कौन है? ये हुसैन इब्ने अली वो हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, चूँकि हुसैन वो हैं कि जिन्होंने नबूवत बचाई, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह हर उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करता है, और ये हुसैन इब्ने अली का कत्ल वो है कि रसूल खुदा फरमा रहे हैं इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा। हुसैन इब्ने अली के कत्ल की वजह से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत मौजूद है कि जो कभी भी ठंडी नहीं है। ये रसूल की अहादीस हैं जो ये कह रही हैं, कुल्लु ऐनिन बाकिया, हर आँख रोने वाली होगी सिवाय उस आँख के जो हुसैन इब्ने अली पर हुए, बकत अलाह मुसाबिल हुसैन, उस आँख के अलावा तमाम आँखें कयामत के दिन होंगी। कयामत के दिन वो आँख जो मौला हुसैन पर गिविया कह रही होगी, फ़इन्नहा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, वो मुस्करा भी रही होगी और उसे जन्नत की खुशखबरी भी दी गई होगी। क्यों? इसलिए कि ये आज़ादारी शाइरुल्लाह में से वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का। मैं युअज़्ज़िम शाइरुल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब। अज़्ज़ाने गिरामी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं जो वसीला बनती हैं, जो ज़रिया बनती हैं
आला हदफ तक पहुंचने के लिए। मसलन अगर आप किसी बच्चे को कहें कि बेटा मेरे पास मेरे ऑफिस में आ जाना, बच्चा पूछे कि मैं किस बस में आऊं, आप कहें W11 में बैठना और मेरे पास आ जाना, मेरे पास पहुंच जाना। अब बच्चा W11 में बैठे और W11 में बैठने के बाद इसकी खूबसूरती को देखना शुरू कर दे, इसकी डिज़ाइनिंग को देखना शुरू कर दे, इसके नक्शो निगाह को देखना शुरू कर दे और उसी से महजूज़ होने लगे, खुश होने लगे, उसी को सब कुछ समझने लगे, ऑफिस गुजर जाए, W11 चलती रहे और ये इसी के अंदर महव रहे, मगन रहे, तो आप उसे क्या कहेंगे? जनाब आली किबला, ये W11 हदफ नहीं थी, वसीला थी उस हदफ तक पहुंचने के लिए जिस हदफ तक आपको पहुंचना था। आप महव हो गए इसी वसीले के अंदर, इसी जरिए के अंदर। अज़ाने गिरामी, उसी तरीके से दूसरी मिसाल भी है, दुनिया भी खुदावंद मुताल ने वसीला बनाई थी, जरिया बनाई थी आखिरत में कामयाबी के लिए। इंसान दुनिया ही को सब कुछ समझना शुरू कर दे, दुनिया ही में महव रहना शुरू कर दे, दुनिया ही में मदहोश हो जाए, तो उसे कहा जाएगा जनाब आली आप हदफ को छोड़ कर वसीले में मसरूफ़ हो गए, जरिए में मसरूफ़ हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से परवरदिगार आलम फरमा रहा है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, जो शख्स भी शायर इलाही की तअज़ीम करता है, आज़ादारी की तअज़ीम करता है, तो ये तकवे तक पहुँचाती है, ये खुदा के तकवे तक पहुंचाती है, दिलों के तकवे तक पहुंचाती है। तो आज़ादारी वसीला है, जरिया है तकवे तक पहुंचने का। तवज्जो आपकी। इसलिए कि ये आज़ादारी वो आज़ादारी है जिसे सिर्फ हम नहीं बर्पा कह रहे कि हम ये सोचें कि हम तो वो हर साल मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करते हैं तो नाउज़ु बिल्लाह हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर अपना कोई हक रख दिया। नहीं, यह जदावी सिर्फ हम और आप बर्पा नहीं कह रहे, अल्लाह के रसूल मौला हुसैन की विलादत के ऊपर अज़ा कह रहे, आज़ादारी कह रहे, मौला अली कूफा के मिंबर पर आज़ादारी कह रहे, मौला हसन शहादत के मौके पर इन जुमलों के साथ के ला यौमा का यौम काबा अब्दुल्ला आज़ादारी कह रहे। पाँचवें इमाम, चौथे इमाम सारी ज़िंदगी होते हुए नज़र आते हैं, पाँचवें इमाम की अहादीस हैं बेशुमार कामिलु ज़ियारात के अंदर कि हुसैन इब्ने अली पर आज़ादारी और मरसिया करने के लिए हैवानात वो हुसैन इब्ने अली के लिए गिविया करते हैं, तो चे बेवसत बे इंसान, इंसानों को कितना गिविया करना चाहिए। छठे इमाम की रिवायत मैंने आपके सामने अर्ज़ की, सातवें इमाम के बारे में आठवें इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा को जब भी मुहर्रम के चाँद की खबर दी जाती थी तो वो एक लम्हे के लिए गमगीन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे और गिरिया और जावी करने लगते थे। अज़ाने गिरामी, सिर्फ चाँद की खबर मिलते ही आठवें इमाम फरमावें सातवें इमाम के बारे में कि मेरे बाबा गिरिया और जावी करते थे, और गिरिया और जावी करने के बाद अगर कोई बच्चा नज़र आ जाता था तो उस बच्चे को देख कर चीख मारते थे और चीख मार कर कहते थे लोगों क्या तुम जानते हो कि मेरे जद हुसैन के बच्चों के साथ कर्बला के मैदान में क्या हुआ। अज़ाने गिरामी, खुद आठवें इमाम के बारे में ये रिवायत है रैयान बिन शबीब से, इब्ने शबीब कहता है कि मैं आठवें इमाम के पास हाजिर हुआ, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो एक मरतबा आठवें इमाम कहते हैं क्या इब्ने शबीब क्या तुझे पता है कि आज पहली मुहर्रम आ गई है, ये वही महीना है जिसमें मेरे जद हुसैन इब्ने अली को मजबूहन अतशानन मलहूफन परेशान हालत में ज़िबाह किया गया, इस हालत में कि वो प्यासे थे। एक मरतबा इब्ने शबीब उसके आँखों से कतरा जारी हो जाता है, कहता है मौला कहते हैं इब्ने शबीब से, ए इब्ने शबीब जो शख्स भी हुसैन इब्ने अली पर गिविया करे खुदावंद मुताल ने उसके लिए बहिश्त की ज़मानत दी है, मैं कहूँगा आप ज़रा सा ये सोचिए
कि जिस तरीके से इब्ने शबीब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आ रहा है, आठवें इमाम की खिदमत में हाजिर है और इमाम रज़ा ये कहते हैं कि ऐ इब्ने शबीब, पहली मुहर्रम आ गई है, ये मुहर्रम वो महीना है जिसके अंदर हर मोमिन को गिविया करना चाहिए। हम ये सोचें हम भी मौला रज़ा की खिदमत में आए हैं, इब्ने शबीब की जगह हम उनकी खिदमत में गए हैं। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि मुझे खबर दी गई है कि पहली मुहर्रम आ गई है जिसमें हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए थे। मैं आपसे 10 बस्ता अर्ज करूँगा, अज़ादारों अज्वकुम अलल्ला। जब हुसैन इब्ने अली को मक्का से निकलने के बाद हानी और मुस्लिम की शहादत की खबर दी गई थी तो जानते हैं ना क्या जुमला कहा था? कहा था ला खैरा फिल ऐश बादा हाउलाए, के ऐ खुदा ऐ मेरे परवरदिगार, हानी और मुस्लिम की शहादत की खबर सुनने के बाद मेरी जिंदगी में, मुझे जिंदगी में कोई खैर नजर नहीं आती। मैं आपसे 10 बस्ताज करूँगा, अज़ादारों हुसैन इब्ने अली को हानी बिन उरवा और मुस्लिम की शहादत की खबर दी गई थी तो उनकी ये हालत हो गई। आपको तो अल्लाह के रसूल के नवासे हुसैन इब्ने अली की शहादत की खबर मिल रही है, हमारा गिरिया कैसा होना चाहिए? बस हुसैन इब्ने अली जब मदीने से निकलते हैं तो एक मर्तबा निकलने से पहले अपने जद रसूल खुदा की कब्र पर जाते हैं, हाथ रखते हैं और एक जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। फिर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अना इब्नु का वबनु फातिमा। अजीजाने गिरामी अज़ादारों, अल्लाह के रसूल की कब्र पर हुसैन इब्ने अली ने यह जुमला कहा कि मैं आपका बेटा हूँ और आपकी बेटी फातिमा का बेटा हूँ। मैं कहूँगा मौला आपने ये क्यों ना कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अना इब्नु का वबनु अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूँ। नहीं, आपने कहा अना इब्नु फातिमा, मैं फातिमा का बेटा हूँ, तो ये क्यों कहा? तो बईद नहीं शायद ज़बान हाल से ये जवाब दें कि शायद ये मकसद था कि ऐ अल्लाह के रसूल आपके जाने के बाद इस उम्मत ने जिस तरीके से आपकी बेटी के साथ सुलूक किया, आपकी बेटी के घर को जलाया, वैसे ही ये उम्मत मेरे साथ भी जुल्म सितम करेगी। और शायद ये मकसद हो जो दाबले खजाई ने आठवें इमाम के पास अर्ज किया, क्या आठवें इमाम से कहा कि ऐ आठवें इमाम मैं मरसिया पढ़ना चाहता हूँ? इमाम रज़ा ने कहा हाँ दाबल मरसिया पढ़ो, बेशक जो शख्स हुसैन इब्ने अली के लिए मरसिया पढ़ता है मलाइका में से खुदावंद मुताल 70,000 मलाइका को मुकव्वर करता है जो सुबह शाम उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जो शख्स हुसैन इब्ने अली के लिए गिविया कुना होता है ये मलाइका उसके मरीज होने की सूरत में उसकी अयादत के लिए जाते हैं। दाबले खजाई एक ही जुमला कहते हैं, या फातिमो ऐ फातिमा लो खिलती, अगर आप हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान में तन्हा देख लेती ललतमती, तो आप अपने चेहरे के ऊपर तमाचे मारती, क्योंकि हुसैन इब्ने अली को ऐसे कत्ल किया गया जैसे किसी नबी को कत्ल ना किया गया, जैसे किसी शख्स को किसी हस्ती को कत्ल ना किया गया, किसी वली को कत्ल ना किया गया। बस हुसैन इब्ने अली ये कहने के बाद अना इब्नु फातिमा मैं फातिमा का बेटा हूँ, बैतुश शरफ में जाते हैं, बैतुश शरफ में बीबी जैनब से मुलाकात करते हैं और कहते हैं जैनब ऐ बहन जैनब, बस अब हमारे लिए मदीना गवारा ना रहा, हमें अब मदीने से जाना होगा। बस जनाब जैनब तैयारी करती हैं हुसैन इब्ने
अली भी दोबारा से रसूल के कब्र पर जाते हैं और सलाम करते हैं। उसके बाद इमाम हसन मुश्तबा की कब्र पर जाते हैं और सलाम करते हैं। उसके बाद जनाब सैयदा की कब्र पर जाते हैं और जनाब सैयदा की कब्र पर जाने के बाद ये जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ए मेरी माँ आप पर सलाम हो। बस ये सलाम आता है। हुसैन इब्ने अली ख्वाब में जाते हैं, ख्वाब में जनाब सैयदा नज़र आती है और ये जुमला कहती हुई नज़र आती है, ए मेरे बेटे हुसैन, इलैया इलैया, मेरे पास आ जा, ए मेरे लाल हुसैन, ए मेरे गरीब हुसैन, ए मेरे परदेसी हुसैन। बस एक मरतबा हुसैन इब्ने अली करबला की ज़मीन की तरफ जाने के लिए तैयारी करती हैं, जनाब ज़ैनब को सवार किया जाता है। एक तरफ से अली अकबर आते हैं, एक तरफ से अब्बास आते हैं, एक तरफ से कासिम आते हैं, एक तरफ से मौला हुसैन के बनु हाशिम के दूसरे जवान आते हैं। मैं कहूँगा शायद जनाब ज़ैनब इस वाक़े को, इस हादसे को महफूज कर लें। एक वक्त वो भी आना है, आशूर का दिन है, जनाब ज़ैनब को सवार किया जाता है, लेकिन ना कासिम है, ना अब्बास है, ना अली अकबर है। एक मरतबा हुसैन इब्न अली सवार होने के बाद जब चलते हैं तो चलने के साथ ही, मदीने से निकलने के साथ ही, अज़ीज़ाने गिरामी मैं ये अर्ज करूँगा कि जब आप किसी के यहाँ दावत पर जाते हैं, जब आप किसी के यहाँ मदऊ होते हैं तो बच्चे आते हैं और बच्चे आकर शायद ये पूछें कि बाबा हमें वहाँ क्या मिलेगा, तो हम कहते हैं कि बेटा हमें वहाँ दावत दी गई है, हमें वहाँ गजा दी जाएगी, हमारा वहाँ इस्तकबाल होगा, हमारे लिए वहाँ खातिर तवाज़ो होगी। मैं कहूँगा बस मौला हुसैन जब निकल रहे हैं, एक मरतबा एक छोटी बच्ची ने शायद ज़बाने हाल से ये पूछा हो कि बाबा हमें क्या मिलेगा, हुसैन इब्ने अली जवाब देंगे कि हम जिस फासले को तय करने के बाद जिस ज़मीन पर पहुँचेंगे वहाँ हमारे अहलोयाल को ज़िबा कर दिया जाएगा, असीर कर दिया जाएगा। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबियन क़लबून। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस कलील से इबादत को कबूल व मकबूल फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो जो शियाने है दवे कहवा, जिन जिन मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परवरदिगार उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, उनके तमाम मसाइल को दूर फरमा, इस वबा को इस दुनिया से दूर कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शामिल फरमा। मातम हुसैन